प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का जिन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें संभाल के रखा है। सुबह से कोई ना कोई गवाही हमारे जीवन में बनाई है, गवाहियां बनाई है, गवाह ठहराया है। तो जरूरी है कि हम उन गवाहियों को लोगों को दें, जो लोग विश्वास में कमजोर हैं वो विश्वास में बढ़ते चले जाएंगे। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं ये सुंदर शाम के लिए जो आपने हमको दिखाई। धन्यवाद करते हैं कि आपने इस लायक समझा कि हम आपकी वेदी के नज़दीक आ सकें और आपकी वेदी पे आकर खुदा हम दुआ कर सकें। खुदा जो भी वचन बोला जाता है, वचन का बोले जाना, प्रार्थनाओं का बोले जाना, सब खुदा आपके आपके ग्रहण लोग उन्होंने पाया। खुदा आप उनको सुनिए और उनको हाँ हमें पूरा करे। खुदा हम धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डिबे जी का, खुदा और भाभी जी शबनम जी, शबनम डिबे जी का, खुदा उन लोगों ने अपने इस पे जागरा मछली मंडली का पानी का मौका दिया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा और विश्वास करते हैं खुदा आपने उनके परिवार को, खुदा उनके बच्चों को, उनको खुदा संभाला है। खुदा उनकी हर जरूरत वो अपने हाथ में रखते हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। उनके घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी घटी ना होने पर दुआ करते हैं। उन सबके लिए खुदा जो बीमारी के बिस्तर से हैं खुदा, उन लोगों को खुदा आप चंगाई दीजिए। खुदा जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उनकी बहुत दूर होने पाए खुदा, और बेरोजगारी जो है खुदा बेरोजगारी खत्म होने पाता है खुदा, सबके पास खुदा रोजगार हो। खुदा हम दुआ करते हैं कि आप महान महान पिता पिता परमेश्वर हैं कि आप हम लोगों की आवाज़ों को सुनते हो, उसको पूरा करते हैं, उसके धन्यवाद करते हुए दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धार करता फिर भी यीशु मसीह के नाम में को मांगते हैं। हाँ सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। और आज सारा की तबीयत अभी वीकनेस है थोड़ी सी, तो आराधना स्तुति तो नहीं, मैं आज एक गवाही देना चाहूंगी जो मतलब अभी रिसेंट ही है। सारा की तबीयत काफी खराब हो गई थी, आप सभी लोगों को पता है, आप सब लोगों ने उसको अपनी प्रार्थनाओं में उठा के रखा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का जिन्होंने निरंतर सारा के लिए प्रार्थनाएं करी। आभा सिस्टर आभा डैनियल का, सिस्टर ऑलिटा चंद्रा का, सिस्टर रीता शर्मा और पास्टर रवि सिल्वेस्टर और काफी नाम है दिमाग से भी, पास्टर जितेंद्र नाथ जिनको मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, पास्टर कपिल शर्मा, सबने प्रेयर करी और सारा ठीक होने पाई। मैं लास्ट चेकअप कराने जब सारा का गई थी तो मतलब उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं लग रहा था, मुझे बस ये लग रहा था, मैंने कहा खुदा फिर से बना कह दें कि बढ़ रहा है जॉइंटिस उसका या एडमिट फिर करना पड़ेगा। बड़ा दिमाग में टेंशन सी थी लेकिन बस कहीं ना कहीं विश्वास था, कोई चीज थी मेरे अंदर जो मुझे सहारा दिए हुए थी, ढांढस बंधाए थी, संभाले हुए थी, और वो चीज क्या थी, मेरा यीशु मसीह जो मुझे अपने अपने वादे के मुताबिक अपने दाहिने धर्म में हाथ से मुझे संभाले रहा। और जब हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा इसको, कहने लगे इम्प्रूवमेंट है और बस एक हफ्ते का इसको परहेज करना पड़ेगा, एक हफ्ते के परहेज के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, दवाइयां वगैरह दी हैं। और उसके बाद जो वॉमिटिंग वगैरह जो इसको हो रही थी उसमें भी मतलब लग रहा था मुझे समझ ही नहीं आ रहा लिवर कितना डैमेज हो चुका है, जो कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है इसको, तो प्रार्थनाओं में रखा, आप सब लोगों ने प्रार्थनाएं करी और इसकी वॉमिटिंग भी बिल्कुल टोटली बंद हुई और भूख भी लगी उसको और अब काफी से ज्यादा इम्प्रूवमेंट है उसके अंदर। बस ये है कि हाई फीवर रहा उसके मारे, वो थोड़ी सी अभी वीक हो गई हैं। कह रही थी मम्मी मैं प्रेज एंड वर्शिप करूं, मैंने कहा बेटा अभी नहीं, तुम अपना ही स्टार्ट करना, गवाही देना संडे को, वो होप नहीं विश्वास करते हैं कि वो संडे को आके और प्रेज एंड वर्शिप कर सकेगी और अब जितना भी वो
परमेश्वर उसको अगुवाई करेगा, होली स्पिरिट उसे अगुवाई करेगा, वो सुसमाचार भी प्रचार करेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परेशानियों में हम पड़ते तो हैं, लेकिन परमेश्वर हमें उन परेशानियों से, उन प्रॉब्लम से निकाल लेने की सामर्थ्य रखता है और निकालता है हमें। और ऐसा इसलिए भी होता है ताकि हम क्या करें, उसको भूल ना जाएं, उसको भूल ना जाएं। नहीं तो क्या होता है, अगर हम मगन रहते हैं, मस्त रहते हैं, तो हमें लगता है हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं है परमेश्वर की, परमेश्वर की जरूरत नहीं है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम्स आती है ताकि हम और भी, परमेश्वर चाहता है कि उससे उसकी निकटता में हम बढ़ते चले जाएं। मैंने सुना है कि जिस समय चरवाहा होता है, जो एक भेड़ होती है, भेड़ का बच्चा आप लोगों ने देखा ही होगा कितना ज्यादा उछल कूद मचाता है, तो जब वो बहुत ज्यादा उछलता कूदता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, बच्चा है भागता है, तो मैंने सुना है कि चरवाहा क्या करता है, उसकी टांगों को तोड़ देता है, उसकी टांगों को तोड़ता है और उसको छोड़ता नहीं है, उस समय अपने कंधे पे लाद लेता है, अपने कंधे पे लाद के उसको आगे बढ़ाता है, आगे उसको लेके चलता है, अपने ऊपर लाद के लेके चलता है, ताकि वो सीख सके। वही यही टीचिंग्स हैं परमेश्वर जो हमें समय समय पर अपनी नजदीकी में जब लाना चाहता है, तो कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉब्लम हम पे आ जाती है जिससे हम उसे दिन रात वैसे तो याद करते ही हैं चलते फिरते, लेकिन उस समय में हम आंसुओं के साथ घुटनों पे आके उससे प्रार्थनाएं करते हैं और वो सुनता है। दुष्ट को क्या करता है, विपत्ति में पड़ा रहने देता है, लेकिन धर्मियों को वो विपत्ति में पड़ा रहने नहीं देता। जिनको उसने बड़ी भारी बुलाहट के साथ बुलाया है, उनको विपत्तियों में पड़ा रहने नहीं देता है, निकालता है, संभालता है, सब कुछ करता है। तो धन्यवाद हो ऐसे परमेश्वर का, ऐसे सृष्टिकर्ता का, कि हम उसकी संतान हैं। उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया, हमारे लिए दे दिया, हमें ले पालकपन की आत्मा दी है, हमें उसने अपने खून से खरीद लिया। कितना प्यारा पिता है, कौन करता है, मित्र भी है, पिता भी है, दोस्त भी है, सब कुछ है वो हमारा, हमारे लिए बहुत करता है, बहुत। और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं आज, हम वचन, हमें क्या करना चाहिए कि वचन को लोगों को बांटना चाहिए। अगर हमारे जीवन में गवाहियां हैं तो हमें गवाहियां जरूर देनी चाहिए। इससे क्या होता है, गवाहियां देने से हम खुद एनकरेज होते हैं। अगर कोई गवाही दे रहा है तो हमें लगता है जब इनके लिए परमेश्वर इतना कर सकता है तो हम भी प्रार्थना करके देखें, और परमेश्वर अपने लोगों के लिए जीवन में गवाहियां बनाता है ताकि हम उसका गुणानुवाद कर पाएं, उसको प्रेज कर पाएं और लोगों को बताने पाएं कि इतना सामर्थी परमेश्वर हमारा पिता है, हमारा सब कुछ है। मतलब मैं ये सोचती हूँ सृष्टिकर्ता, प्रेज द लॉर्ड शबनम भाभी, सृष्टिकर्ता वो हमें संभाल के रखता है, हमारी बात को सुनने के लिए आता है, हमें पीड़ा में पड़े रहने नहीं देता है, हमें देखता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि इन दिनों उसने हमें संभाला और प्रॉब्लम में से निकाल के खड़ा किया। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि तूने हमें इस लायक समझा कि जिंदों की भूमि पर रखा है। परमेश्वर दिन भर आशीष बरकतें हमें दी हैं और तेरी जो योजनाएं, जो प्लानिंग्स हमारे लिए हैं परमेश्वर, वो सब तू हम में होके पूरी करता है परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इन्वाइट किया। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे परमेश्वर, बहुत तायत के रूप में तूने आशीषित करने पर है परमेश्वर, जो उत्तम उत्तम आशीष तूने उनके लिए रखी है परमेश्वर वो तू उन्हें देने पर है। अच्छा स्वास्थ्य, हर एक बीमारियों से चंगाइयां, यस जीसस, तू कुछ मिरेकल करने पर है परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देती हूँ उन सब लोगों के लिए खुदा जो
मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे, जो भी प्रार्थना विनती निवेदन धन्यवादियां वो लेके बैठे हैं परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि वे तेरे सम्मुख स्मरण के लिए पहुंच चुके हैं और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर भी लगा दी है। उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आज जो मन्ना तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल ताकि तेरे लोग खाके तृप्त किए जाने वाले हो सकें। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। और जो वचन आज मैं एक बीज की मानिंद बोऊंगी परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि वो 100 गुना फल लाने वाला हो सकेगा। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से मैं बांध देती हूँ और तेरी उपस्थिति को अपने बीच में मैं मांग लेती हूँ, इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा दूसरा कुरंथियो उसका 5 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। क्या आज हम मसीह में नई सृष्टि बन चुके हैं? परमेश्वर का वचन तो ये कहता है अगर तुम मसीह में हो तो तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें जितनी भी थी वो सब बीत गई। लेकिन आज आज हम नई सृष्टि बन तो गए हैं लेकिन वो पुराना कहीं ना कहीं हमारे साथ चला आता है। पुराने समय में हम ऐसे करते थे, उसने हमारे साथ ऐसा किया, हमारे साथ वैसा हुआ, इसने हमसे ये कहा था, उसने हमारे लिए ऐसा किया था, वो चीजें नए तो हम बन गए हैं लेकिन वो पुरानी चीजें हम लगातार अपने पीछे लेके अपने दिल में, दिमाग में, जहन में लेके चलते रहते हैं। तो फिर हम कैसे मसीह में नई सृष्टि हो गए? नई सृष्टि तो हम तब बनेंगे जब हम हर एक पुरानी बात को छोड़ देंगे, त्याग देंगे, नहीं सोचेंगे। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, सबोपदेशक हमसे कहता है 7वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में ये ना कहना बीते दिन इन दिनों से क्यों उत्तम थे, क्योंकि यह तो बुद्धिमानी से नहीं पूछता। हम कहते हैं पहले के दिन तो बहुत अच्छे थे, दिन वही है, टाइम कोई चेंज नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि पहले सूरज दिन में निकलता था, अब तो रात में निकलने लगा है, दिन चेंज हो गए। पहले तो सूरज जब निकलता था रात में तो ऐसा करते थे, वैसा करते थे, वही सेम है, ऋतुएं वही है, समय वही है, टाइम वही है, मौसम, हर चीज वही है। बदला कौन है? बदलाव आया है तो केवल हमारे अंदर आया है, बदले हम हैं। और हम पिछले दिनों की बातों को कहते हैं, याद करते हैं कि ये समय अच्छा था। क्यों? क्योंकि हम छोटे थे, हम चीजों को नेगेटिव नहीं लेते थे। आप छोटे बच्चों की लड़ाई देखिएगा, आज लड़ लेंगे खून, मतलब खून खच्चर हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा, कितना मारेंगे, पीटेंगे, लड़ेंगे, चिल्लाएंगे और मुश्किल से आधे घंटे बाद आप उन लोगों को फिर साथ में खेलते हुए देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिलों में, मनों में रखने वाले नहीं है। लेकिन हम उन पुरानी बातों को अपने दिल से लगा के रख लेते हैं, मुंह से तो हम कह देते हैं कि हाँ भूल गए, चलो अच्छा हुआ, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं हमारा कहता है मैं भूल नहीं सकती, मैं भूल नहीं सकता जो इन्होंने हमारे साथ किया। बहुत मुझे याद है कि मैं कितनी परेशान रही थी, मुझे याद है कि मैं कितना परेशान रहा था, इनके कारण मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ गई थी, मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ गया था, मैं नहीं भूलूंगी। देखना समय आएगा तब मैं बताऊंगी, समय आएगा तब मैं बताऊंगा। तो फिर हम कैसे नई सृष्टि प्रभु में बन गए? इसका मतलब हम प्रभु में नहीं है। और जब तक हम नए नहीं बन जाते तब तक हमारे अंदर वो आत्मिक बल, आत्मिक चीजें नहीं आती हैं। बच्चा छोटा होता है कितना शक्तिशाली, कितना बलवान होता है ना, पूरा दिन खेलता है, पूरा दिन दौड़ता है, पूरा दिन भागता है, थकता नहीं है, थकता नहीं है। लेकिन जब पुराने हो जाते हैं हम, हमारी एज हो जाती है तो हम थकने लग जाते हैं, थकने लग जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि वो आत्मिक बल हम पाते चले जाएं, वो आत्मिक बल बल हमें मिलता चला जाए, आत्मिकता में बढ़ते चले जाएं, तो हमें नया बन जाने की जरूरत है। उकाब को, उकाब के बारे में जानते हैं ना, उकाब कैसा हो जाता है? बूढ़ा हो जाता है,
चला जाता है पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी पे। उसके बाद वहां उसके पंख उतर जाते हैं, सब कुछ उतर जाता है और बिल्कुल वो नया बन जाता है। ऐसा नहीं कि पंख नए आ गए, उतनी ही ताकत उसके अंदर आती है। वो अपनी चोंच को उस चट्टान पे मार मार के जो पुरानी चोंच होती है उसे तोड़ देता है, तोड़ देता है, अपने आप को कूटता है नया बनने के लिए। आज अपने आप को नया बनने के लिए हम कितना कूट रहे हैं, हम कौन कौन सी ऐसी पुरानी चीजें हैं जो हमारे अंदर है वो हम निकालना चाहते हैं। हम अपने लिए तो चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे पुरानी गलतियों को, हमारे पुराने पापों को भूल जाए, हमें दंड का अधिकारी ना बनाए, हम स्वर्ग जाएं, हम स्वर्ग जाएं और हम परमेश्वर के साथ रहें, हम परमेश्वर के साथ रहें, हम ये चाहते हैं। हम खुद खुद के लिए तो चाहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए अपने अंदर वो पुरानी चीजें रखे रहते हैं। कहते हैं ना, मलमल के कपड़े पे टाट का पेबंद कौन लगाता है, या नए कपड़े पे पुराना पेबंद कोई नहीं लगाता। अगर हमारा नया कपड़ा फट गया है तो हम ये नहीं करेंगे पुराना लगा दें उसमें, नया है तो नया ही रहेगा। और बड़े बचा के रखते हैं नए कपड़ों को, हम बहुत ज्यादा बचा के रखते हैं। अगर नया सूट है और हम कहीं बाहर से आए और एकदम से खाना बनाने जाना पड़े तो हम पहले क्या करेंगे, कपड़े को चेंज करेंगे, बहुत बचा के रखते हैं। उसी तरह हम क्या अपनी आत्मा को भी बचा के रखते हैं कि जहां पे गंदगी है वहां पे, उस जगह पे हम ना जाएं कि कहीं हमारी आत्मा गंदी ना हो जाए। जो चीजों को खुदा ने मना किया है उन चीजों के पास भी ना जाएं, हो सकता है उसकी कोई छींट हमारे आत्मा पर, हमारी हमारी कामों पर लग जाए, कि जिसका फल हमें क्या से क्या मिल जाए, क्या से क्या मिल जाए। हमें सोचना है, हमें सोचना है, अगर हम परमेश्वर में आगे बढ़ चुके हैं, नई सृष्टि हो चुके हैं, तो हमें हर हाल में पुरानी बातें क्या करनी पड़ेंगी, भूल जानी पड़ेंगी, छोड़ देनी पड़ेंगी, छोड़ देनी पड़ेंगी। और परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय उसकी 4वीं आयत में भी यही कहता है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि जो मर गया वे पाप से छूटकर धर्मी हो गया। क्या मर गया? अगर वैसे तो हम कहे हैं कि हम मर जाएंगे तो हम पाप से छूट जाएंगे, नहीं, वो तो हमारी आत्मा के संग हमारी आत्मा का न्याय किया जाएगा, हमारा न्याय किया जाएगा। किसमें मरना है हमें? हमें शरीर में मरना है, लेकिन आत्मा में हमें जिंदा रहना है। हर वो काम जो हमें परमेश्वर से अलग करते हैं उन कामों को हमें छोड़ना है। उन कामों के लिए हम अपने आप को मरा हुआ समझें, मरा हुआ, क्योंकि रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय 11वीं आयत हमसे यही बताती है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा परंतु परमेश्वर के लिए जीवित समझो। पाप के लिए हमें अपने आप को मारना है। अगर दिमाग में आ रहा है, नेगेटिव चीजें आ रही हैं, शैतान डाल रहा है कि ये कर ले, इतने से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा झूठ बोल ले कुछ नहीं होता है, इतना तो उपचलता है, संसार में रह रहे हो, थोड़ा सा ऐसा कर लो, थोड़ा सा वैसा कर लो, कुछ नहीं होता है, तो हमें क्या करना है, उसके लिए अपने आप को मारना है। मरा हुआ इंसान जो होता है वो किसी की नहीं सुन पाता। हम उसे कुछ भी कहते रहे, अगर कोई पड़ा हुआ है मरा हुआ तो हम कहते रहे उठ जा बैठ जा खा ले पी ले, वो नहीं सुनेगा ना देखेगा। वही हमें पाप के लिए अपने आप को बिल्कुल मरा हुआ मान लेना है, और परमेश्वर के कामों के लिए हमें अपने आप को जीवित, एक्टिव, एक्टिव बनाना है, एक्टिव बनाना है कि हाँ परमेश्वर तेरे लिए मैंने करना है, क्योंकि तूने मेरे लिए बहुत किया है, मुझे भी तेरे लिए करना है। क्या ये लालसा हमारे दिल में है? क्या ये इच्छा हमारे मनों में है? नहीं, हम पाप के लिए तो अपने आप को जीवित बना देते हैं, कुछ नहीं होता है, बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा झूठ बोला, देखा किसने कितना उसे उल्लू बना दिया, थोड़ा सा करके अगर मिल रहा है तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा झूठ बोल के अगर हमारा फायदा हो रहा है तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं,
हमें क्या करना है अगर हम चाहते हैं कि हम मसीह में नई सृष्टि बन जाएं, पुरानी बातें जो हमारे संग हुई हैं वो सब बीत जाएं, खुदा क्या करे हमें नया समझ के, नया करके, नया बना के अपने संग ले जाए, अपने संग ले जाए, तब है, तब हम, हमें फायदा है नई सृष्टि बनने में। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने संग पुराना लपेटे घूमते रहते हैं। आज हमें अपना वो पुरानापन सब छोड़ देना है, नए बनते चले जाना है। लोगों के बारे में जो हमारी धारणाएं हैं कि तुमने ऐसा किया था वैसा किया था, हमें माफ कर देना है, क्योंकि हम कोई नहीं होते हैं। हम कौन होते हैं उनका न्याय करने वाले? न्याय करने वाला तो एक ही है, चाहे वो उन्हें धर्मी ठहराए चाहे वो उन्हें पापी ठहराए। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अगर परमेश्वर किसी को धर्मी ठहरा देता है तो कौन है जो उसके चुने हुए पे दोष लगा दे? कोई भी नहीं है। तो हम कौन है? साफ पवित्र शास्त्र में बता रहा है कि तुम कोई नहीं हो कि उसके चुने हुए पे दोष लगाने पाओ। क्या पता सामने वाला इंसान परमेश्वर का चुना हुआ है, परमेश्वर ने उसको चुन के अलग किया है। अगर हम उस पर दोष लगाएंगे, उस पर कुछ इल्जाम लगाएंगे तो परमेश्वर हमें बख्शेगा नहीं। परमेश्वर भी उसका प्रतिफल भी हमें देगा। क्या कहेगा कि तुम हो कौन? तुमने अपने आप को तो सुधारा नहीं और तुम क्या है? तुम दूसरे को सुधारने चले हो, पहले अपनी आंख का तो तिनका निकाल लेते, तुम उसकी आंख का, अपनी आंख का तो लट्ठा निकाल लेते, उसकी आंख का तिनका तुमको दिखाई दे रहा है। हमें सब कुछ छोड़ देना है अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के बन के रहें। तो हमें वाकई में सब कुछ छोड़ देना है, त्याग देना है, क्योंकि यीशु मसीह, हम नहीं चाहते ना कि परमेश्वर हमारी पुरानी बातों को लेके बैठे, पुरानी बातों को, तुमने ऐसा किया था तुमने वैसा किया था। तो हमें उन लोगों की बातों को भी छोड़ देना है, त्याग देना है, भूल जाना है कि जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ के हमें पीछे नहीं देखना है। तभी परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लूत को स्मरण करो, क्या किया था उसने? पीछे घूम के देखा था और क्या बन गई थी? नमक का खंभा बन गई थी। आज वही काम हम करते हैं, पिछली बातों को याद करते हैं, तूने ऐसा किया था, हमने तेरे साथ कितना अच्छा अच्छा किया है, हमने हर जगह जहां तुम्हें मदद की जरूरत पड़ी हमने तुम्हें वहां तुम्हें मदद करी, हमने तुम्हें हर जगह तुम्हारे लिए खड़े हो गए। आज तुमने हमें हमें क्या किया? तुमने हमें धोखा दे दिया था। हमें पीछे घूम के नहीं देखना। अगर हम मसीह में आगे बढ़ गए तो हमें बढ़ते चले जाना है, क्योंकि यदि हम परमेश्वर में नई सृष्टि बन गए तो हमें क्या करना है? पुरानी बातें जो बीत गई हैं हमें उनको स्मरण भी नहीं करना है। हमें इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहती हूँ, और यही आशा, यही उम्मीद रखती हूँ कि आज से हम आगे बढ़ गए हैं, हम पीछे पलट के नहीं देखेंगे। आइए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर, एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिनका ये पेज आगरा मसीह मंडली है खुदा, ये पेज बहुतायत के साथ बढ़ने वाला हो सके खुदा, और इसके द्वारा हजारों हजारों आत्माएं बचाई जाए परमेश्वर, तेरा वचन लोगों तक पहुंच सके और लोग अपने जीवन को बदलने वाले हो सके परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, जो भी मन में वो प्रार्थना इच्छा लेके बैठे हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से खुदा, उस हर एक इच्छा को, हर एक जरूरत को तू आसमानी भंडार से पूरा कर दे परमेश्वर। जो लोग बीमारी के बिस्तरों पे हैं परमेश्वर, इसी समय चंगाई का आत्मा भेज परमेश्वर, और उन्हें चंगाई दे परमेश्वर, ताकि वो लोग बिस्तरों से उठ के खड़े होने वाले हो सके परमेश्वर। गंभीर रोग, कैंसर जैसे रोग खुदा, और जो लोगों को खुदा डॉक्टर ने कहा है ये रोग लाइलाज है, इनका कोई इलाज नहीं है परमेश्वर, डॉक्टर्स को नहीं जानते, हम तुझे जानते हैं परमेश्वर, तू मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है। जो भी उनका अंग ऑर्गेन डैमेज है परमेश्वर, इसी समय तेरी सामर्थ से ठीक होने पर है परमेश्वर।
जो कैंसर है परमेश्वर वो हील होने पर है परमेश्वर, जो लोग खुदा डिप्रेशन में है परमेश्वर उनका हर एक डिप्रेशन जाने पर है परमेश्वर, जो फाइनेंशियली वीक है परमेश्वर फाइनेंशियली ग्रोथ होने वाली है परमेश्वर, हर एक खर्चों को खुदा तूने अपने हाथ में ले लिया है खुदा। उन यंगस्टर्स के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा जिनकी शादियां नहीं हो रही है परमेश्वर, उनके पेरेंट्स परेशान है परमेश्वर, स्वर्ग से रिश्ते भेज परमेश्वर। उन यंगस्टर्स के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो गलत राह पे चल पड़े हैं और उनके माता पिता खुदा रो रो के प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तूने उनके आंसुओं को देख लिया है परमेश्वर, तूने उनके आंसू पोंछ दिए हैं परमेश्वर, तूने उनके बच्चों को वापस फेर दिया है परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा, यस जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करती हूँ कि तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है परमेश्वर और हाँ और आमीन में कबूल भी कर लिया है। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर आरती, परमेश्वर बहुत आयत के साथ आपको आशीषित करे और हम विश्वास करते हैं कि जितनी भी प्रार्थनाएं यहाँ से की गई हैं वो सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर ने हाँ और आमीन में पूरी कर दी हैं। आप सभी को जय मसीह की।